हाँ जी सॉरी राजे, पिछली वीडियो कट हो गई, कॉल आ गई सी। तो इस तरह तुसी लिख दोगे, ठीक है, तो ये थोड़ा दिस इज योर आंसर। ओके तो सेम राजे, सारे सम इस वे दे नाल ही तुसी करने ने ए वाले सॉल्व, ठीक है। सारे दा तुसी पहला के प्लस वन ले रफ वर्क विच देख लो भी की आंसर चाहिए, दैन तुसी उस हिसाब नाल ही बस सॉल्व करी जाना लैफ्ट साइड। ओके तो ये सारे ये पार्ट करने हैं, कोई पार्ट नहीं इन्हों का छड़ना, क्योंकि बहुत थोड़े सम बनते हैं, टोटल 10 क सम तो बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा कटवा भी दिते थोनू, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड टाइप डिविजिबल मल्टीपल, ठीक है, दिस वन सेम टाइप है राजे, चाहे डिविजिबल है चाहे मल्टीपल है, तुसी सेम टाइप के नाल ही सॉल्व करने हैं। तो मैं ये वन सम सॉल्व करके दिखा रही हूँ थोनू। तो 14 का फर्स्ट पार्ट है थोड़े को, देखो 2 की पावर 3 एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय 7। अपा इन ऑल एन ते डिविजिबल करा के 7 ते हर जगह ते डिविजिबल होगा, ठीक है। लाओ नाओ इन भी लैट तुसी लैट कर लो पी एन, ठीक है, नीचे है 1। ओके दैन स्टेप 1 पुट करोगे एन इज इक्वल टू 1, दैन इतने की आजू P1, ठीक है, 2 की पावर 3 × 1 −1, 2 की पावर 3 = 8 = 7। तो 7 आ गया, इट इज डिविजिबल बाय 7, 7 तो डिवाइड होंगे ही है, देयर फोर P1 इज ट्रू। ओके सैकेंड स्टेप आ लैट result is true, जब pn is true for n is equal to k, where 1 less than equal to k less than n। ओके तो इतने k लिख देंगे, दैन इतने आजू थोड़े को 3 की पावर k - 1। ओके दैन तुसी इनू लैट कर लोगे 3 की पावर k - 1। अगर यदा रिजल्ट ट्रू आ, ठीक है, दिस मीन इज डिविजिबल होगा बाय 7 ते, आ वाली सारी टर्म डिविजिबल हो 7 ते, कोई भी चीज़ किसी दे बंडी जाती है, यदा मतलब वह मल्टीपल होंगी है, ठीक है, वेयर m इज एनी इंटीजर। ओके तो वह मल्टीपल होंगी है, जिमें मान लो तो आप कह दें भी 16 2 से डिवाइड होंगे, तो 2 के जिन्हें भी फैक्टर हो गए 2 × something वो सारे तो डिवाइड करूंगा 16, ठीक है। तो इनू तुम 7 something कुछ भी मल्टीपल मान लेना, इतने एनी इंटीजर, ठीक है, तो इनू दे दो नंबर 1, क्योंकि ये आप यूज करना। ओके नाओ थर्ड स्टैप अपने को पुट करना एन इज इकअल टू के प्लस 1, ठीक है, तो इतने पी के प्लस 1, नाओ 2 3 की पावर k + 1 - 1, इनू मैं सैपरेट कर रही हूँ 3k × 2 आ रहा जू, क्योंकि 3k + 3 बनना सी, पावर प्लस च पंजा हूँ मल्टीप्लाई होंदियाँ बेस सेम हूँ, आप पावर ऐड कर देने तो हूँ पावर ऐड सी मैं अलग अलग करती, ठीक है, -1। ओके नाओ हुण आपां इत्थे की करना, इत्थे वैल्यू कढ लो 2 की पावर 3 k दी, इत्थों तो की आजू वैल्यू 7m - 1 आही आऊ ना इधर, सॉरी +1 इधर आके 1+ का हो जू इंटू 2 की पावर 3 की होया 8 - 1 ना, हुण मैनू मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये आजू 56m + 8 - 1, तो ये आ गया 56m + 7, तो 7 कॉमन निकल गया, अंदर रह गया 8m + 1, ठीक है, इतने यूजिंग लिख दो यूजिंग 1, तुसी 1 नू यूज किया। ओके तो देखो ये 7 का मल्टीपल आ गया, इहदा मतलब इज डिविजिबल होगा बाय 7, क्योंकि 7 डिवाइड डिविजिबल मतलब डिवाइड हो रहा है, 7 ते 7 कट हो जू, डिवाइड का मतलब की हुंदा कि पूरा पूरा आंसर आवे आ बाजू, ठीक है, तो देयर फोर पी के प्लस 1 इज
ट्रू हैंस हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। ठीक है, तो तुसी जेड़े विजिबल वगैरह वाले सम हो इस तरह सॉल्व करने। ठीक है, तो तुसी जेड़ा भी होगा इतने नाइन तो डिविजिबल हुंदा मल्टीपल हुंदा तुसी इनू इस तरह ही गुणा कर लेनी। ठीक है, नाइन एम मान लेना, फाइव एम मान लेना, जेड़ा भी है। उस तो बाद इस तरह पावर ऑफ सैपरेट करोगे। ठीक है, उत्थे वैल्यू भर दी। क्लीयर, तो थोड़े को एग्जाम्पल भी कड़िया हुई, एग्जाम्पल भी तुसी देख सकते हो। एग्जाम्पल उन्हें प्लस माइनस की है सेम वे चीज़ के टू की पावर थ्री के प्लस करती, टू की पावर थ्री के माइनस करती। उस तरह सॉल्व करना, उस तरह भी कर सकते हो तुसी। बट ये है कि थोड़ा प्लस माइनस याद नहीं रहना भी करना, जे इस तरह कर लोगे तो बैटर है। ठीक है, इतने वैल्यू भर कड के आप भरती। ठीक है, दिस वन की तो अपने को सॉल्व करके सैवन कॉमन आ गया, तो यह थोड़ा रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो तुसी जिन्हें भी सम अज कर सकते हो अज ते कलू भी इस ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, थोड़ा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया क्योंकि ये बस दो तरह के सम से उतने मैं करवाते, जेडे सम नहीं होंगे मैनू दस देना ते करवाई जाने हैं। ठीक है, मैं ग्रुप च ही सेंड कर दिया करूँगी थोड़े आंसर, तो ताकि जेडे है यह जे नहीं करते घटो घट वो कर लें। ठीक है, जिहड़ी भी चीज़ नहीं पता लगी, नहीं कोई स्टैप समझ आया तो पूछ लेना। मैं बार बार कहनी हाँ भी फर्स्ट स्टैप ते पी नू वन पुट कर देना, उदो तुसी पहली टर्म चकनी है तो राइट साइड विच वन भरना, वो हमेशा ट्रू आऊगा। सैकेंड जे तुसी ट्रू रिजल्ट लैके चलना कि ट्रू आ साडा रिजल्ट, क्योंकि उन्हूं आपां यूज करना। थर्ड स्टैप दे विच सिर्फ लैफ्ट साइड चकनी है, राइट साइड लियानी आ प्रूफ करा के प्लस वन दे लई। ठीक है, तो लैफ्ट साइड दे विच जिहड़ा थोड़ा दूजा स्टैप होगा तुसी उन्हूं यूज करना, उहदी राइट साइड भरनी आ प्लस के प्लस वन जिहड़ा इहदा ही लैफ्ट साइड का भरिया होगा वह रखना। सॉल्व करके थोड़ी आ आनी चाहिए के प्लस वन भर के, उन्हूं रफ वर्क च करके देख लो भी थोड़ा आंसर किन्ना चाहिए। सेम इहदा वे भी सेम ही है, बस यह है कि इतों आपां नूं मल्टीपल डिविजिबल आए आ तो तुसी सैकेंड स्टैप दे विच इहनूं सैवन एम जां कुछ भी मान लेना। ठीक है, उत्थों वैल्यू करके कढ के भरनी। ठीक है, क्लीयर, तो जे हजे भी कोई डाउट होया तो प्लीज़ पुछ लियो। ठीक है, चैप्टर इंपोर्टेंट आ, ईजी आ बहुत, तो यह यूज़ हुंदा जाके प्लस टू दे विच एक सम थोड़े कोले आउणगे थर्ड चैप्टर च उस यूज़ हुंदा। ओके, थैंक यू।